ताज डिवाइडेड बाय ब्लड Z5 पर स्ट्रीम हुई 10 एपिसोड की वेब सीरीज है। इस सीरीज में मुगलिया सल्तनत की कहानी बयां की गई है। भारत में मुगलिया सल्तनत की जड़ें इतनी विशाल रही है कि इसकी कहानी कभी दर्शकों को निराश नहीं करती है। सम्राट जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर का जीवन और उनके राजकाज को लेकर इतिहास के पन्नों में इतनी सामग्री है, ये हर बार दर्शकों के लिए कुछ न कुछ नया ही परोसती है। हमने इस विषय पर कई ब्लॉकबस्टर फिल्में और शोज पहले भी देखते हैं। बावजूद इसके अभिमन्यु सिंह के वेब शो ताज डिवाइडेड बाय ब्लड इस विषय पर बने अब तक की सबसे संपूर्ण कहानियों में से एक है। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपको बता दें कि ताज डिवाइडेड बाय ब्लड अकबर के परिवार में छिड़ी जंग की कहानी है। दोस्तों, अगर आप इस वीकेंड पर ये सीरीज देखने का प्लान बना रहे हैं तो आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। आइए जानते हैं सीरीज की कहानी के बारे में। सीरीज की शुरुआत होती है जंग से। निर्दयता से दूसरों के बच्चों को मारने का आदेश देने वाला अकबर खुद औलाद के लिए तरसता है। इस जंग के दौरान खून से लथपथ अकबर की मुलाकात एक सूफी संत शेख सलीम चिश्ती यानी धर्मेंद्र से होती है। वो उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि उन्हें 3 बच्चे होंगे, लेकिन कोई अपना ही उनकी हुकूमत को चेतावनी देगा। इस दौरान वो ये सलाह देते हैं कि जब जब दरिया का पानी लाल होगा, मुगलिया सल्तनत का खून बहेगा। इस सीरीज में धर्मेंद्र का कुछ महज कुछ मिनट का ये सीन पूरी सीरीज का बेहतरीन पल था। अपने बेटों में से अकबर पर अपना उत्तराधिकारी चुनने की जिम्मेदारी है। अकबर चाहता है कि वो उसी के कदमों पर चलने वाला एक ऐसा शासक बतौर उत्तराधिकारी चुनना है जो सभी लोगों को और सभी धर्मों को महत्व दे, जो समान न्याय दे और किसी भी प्रकार का कोई समझौता न करे। यही वजह है कि अकबर ये फैसला लेता है कि अपने बेटे में से मुगलिया सल्तनत का वारिस काबिलियत देख चुना जाएगा, उम्र देखकर नहीं। दोस्तों, सीरीज के नाम की तरह ये सीरीज अकबर के परिवार और उसके बच्चों के बीच संघर्ष पर आधारित है। सलीम, मुराद और दानियाल अकबर के 3 बेटे हैं। उनके ये 3 लड़के अपने पिता से बिल्कुल अलग है। दानियाल अपने भाइयों से बिल्कुल अलग है। वो जंग से खुद को दूर रखता है क्योंकि दानियाल ने खुद को अल्लाह को समर्पित किया है। पिता ने मन्नतों के बाद जिस बेटे की उम्मीद की थी तो है सलीम, जिसे अपनी जिंदगी जाम और हुस्न के बीच गुजारना पसंद है। तो मुराद को हिंसा पसंद है। अपने भाइयों को नीचे दिखाना और खुद को महत्व देना उसकी आदत है। दोस्तों, ताज डिवाइडेड बाय ब्लड की कहानी शहंशाह अकबर को अपनी राजगद्दी के लिए उत्तराधिकारी की तलाश है, कोई ऐसा जो उनकी विरासत को आगे बढ़ा सके, योग्य हो। लेकिन उनकी इस तलाश के बीच मुगल राज में गंदी राजनीति, विश्वासघात और खूनी पारिवारिक झगड़े भी हैं। सत्ता के लिए एक ऐसी कूटनीतिक लड़ाई छिड़ चुकी है जहां हर किसी को जीतना है, लेकिन इसमें किसकी जीत होगी और किसे मात मिलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। सीरीज का प्लॉट उस युग में सेट है जब अकबर का लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन था। ये शो मुख्य रूप से उनके 3 बेटों सलीम, मुराद और दानियाल के साथ अकबर के संबंधों पर केंद्रित है। ये तीनों ही उत्तराधिकारी बनने की दौड़ में हैं। फलते फूलते मुगल साम्राज्य को एक मजबूत उत्तराधिकारी चाहिए, लेकिन इन भाइयों के आपसी मतभेद और उनके खुद के व्यक्तित्व की कहानियां इस सीरीज को मजबूत और आकर्षक बना देती हैं। दोस्तों, ये सीरीज में दर्दनाक लव स्टोरी भी है। अदिति राव, जिसने अनारकली का रोल अदा किया है, जो अकबर की मनपसंद दासी है, लेकिन वो अकबर के बेटे सलीम से मोहब्बत कर बैठी है और फिर बाप और बेटी के बीच घमासान युद्ध की शुरुआत होती है। दोस्तों, वैसे तो सीरीज सच्ची घटनाओं के आधार पर है, लेकिन मेकर्स ने अकबर के शक्तिशाली और जटिल परिवार के अंदर चल रही कूटनीति को पर्दे पर दिखाने के लिए अपनी क्रिएटिविटी का भी पूरा इस्तेमाल किया है। सीरीज देखते हुए आप कई बार यह सोचने लगते हैं कि जो दिखाया जा रहा है कि वह तथ्यात्मक रूप से कितना सही है। सीरीज में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और इनमें से लगभग हर किसी का एक अलग ट्रैक है। अच्छी बात यह है कि दूसरे शोज की तरह ही उबाव नहीं लगती या फिर प्लॉट से भटकती नहीं है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।